हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लॉन्च ऑफ गोल्डन विलोज फेज टू एट हीरानंदानी फॉर्चून सिटी पनवेल। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, हीरानंदानी फॉर्चून सिटी ये काफ़ी बड़ा टाउनशिप है और इसका लैंड पार्सल करीबन 588 एकर्स पर ये फॉर्चून सिटी बन रहा है। और इस टाउनशिप के अंदर रेसिडेंटल के अलावा और शॉप्स के अलावा एडुकेशन सेंटर्स भी रहेगा, हेल्थ केयर भी रहेगा, रिटेल शॉपिंग सेंटर्स रहेगा, हॉस्पिटल्स, लीजर्स, एंटरटेनमेंट्स एंड डेटा सेंटर्स। तो ये सारा कुछ एक टाउनशिप के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी एलिवेशन आप देख रहे हैं बिल्डिंग का, ये जो लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है, दिस इज गार्डन एनक्लेव, जो कि 11 टावर है और इसका पोजीशन दे दिया गया है। और राइट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज फॉरेस्ट एनक्लेव, जिसमें 8 टावर्स है, इसका भी पोजीशन दे दिया गया है। अभी डेवलपर ने एग्जैक्टली यहाँ पर थर्ड क्लस्टर लॉन्च किया है जो कि 11 एकड़ में बन रहा है। और यहाँ पर डेवलपर ने पहले गोल्डन विलोज फेस वन लॉन्च किया था, जिसमें 3 टावर्स थे, अक्षया, ऑर्चिड और आयरिस। तो अभी इसी के अंदर 3 टावर और लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है मैरीगोल्ड, मे फ्लावर और लेवेंडर। और ये तीनों टावर ग्राउंड प्लस 2 लेवल पोडियम पार्किंग होगा और उसके ऊपर 38 हैबिटेबल फ्लोर्स होगा। बिल्डिंग का एलिवेशन जैसा आप देख रहे हैं उसी टाइप का एलिवेशन होगा, क्योंकि हीरानंदानी के जितने भी कॉम्प्लेक्स है आप देखेंगे, अंधेरी में, थाने में, प्लस पनवेल में, यहाँ पर उनका टिपिकल एक पैटर्न होता है, उसी टाइप का एलिवेशन होता है। तो यहाँ पर अभी जो 3 टावर जो लॉन्च हो रहा है, इसमें 2 बिल्डिंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट होगा विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 BHK, और एक बिल्डिंग जो होगा उसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट होगा विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 4 BHK फ्लैट्स। तो यहाँ पर इस एलिवेशन में आप देखेंगे गोल्डन विलोज जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है, और पीछे की तरफ गार्डन एनक्लेव है और राइट साइड में फॉरेस्ट एनक्लेव है। फॉरेस्ट एनक्लेव के पास में प्रपोज्ड क्लब हाउस है, जो कि 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा। और इस पूरे टाउनशिप में मोर देन 70+ एमिनिटीज दिया गया है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक बिल्डिंग योटा डेटा सेंटर के लिए दिया गया है। इसके अलावा हीरानंदानी ट्रस्ट स्कूल जो है ये ऑपरेशनल है। रिटेल प्लाजा जो गार्डन एनक्लेव के नीचे दिया गया है वो भी ऑपरेशनल है। राइट साइड में आप देखेंगे और एक हीरानंदानी ट्रस्ट स्कूल है। तो ये टाउनशिप जैसे जैसे डेवलप्ड होते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम साथ साथ में डेवलप्ड होते जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एलिवेशन आप देख रहे हैं, ये गोल्डन विलोज फेस वन का एलिवेशन है, जिसका नाम ऑर्चिड और आयरिस है। तो सिमिलर टाइप ऑफ एलिवेशन मैरीगोल्ड का भी रहेगा, मे फ्लावर का भी रहेगा और लेवेंडर का भी रहेगा। ऊपर का डोम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पर अदरवाइज एलिवेशन थोड़ा सा सेम रहेगा। तो गोल्डन विलोज फेस टू में 11 एकड़ में 5.2 एकड़ का जो स्पेस रहेगा वो प्योरली ग्रीन एमिनिटी स्पेस होगा, और 85% स्पेस जो है वो ओपन स्पेस रहेगा। प्लस क्लस्टर लेवल पर भी आपको कुछ एमिनिटीज मिलता है, जो बेसिक एमिनिटीज है वो दिया गया है, पर जो मेजर एमिनिटीज है वो बड़े क्लब हाउस में दिया गया है, जिसका नाम क्लब रॉयल रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मास्टर प्लान में हम लोग देख लेते हैं। ये जो 3 बिल्डिंग है, दिस इज गोल्डन विलोज वन। इसके बाद फेज टू में अगर आप देखेंगे तो एक बिल्डिंग यहाँ पर आने वाली है और 2 बिल्डिंग यहाँ पर आएगी। उसके बाद भी यहाँ पर 3 बिल्डिंग की जगह है, जो कि ये फ्यूचर डेवलपमेंट रहेगा। और ये पूरा जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं, ये 11 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो यहाँ पर गोल्डन विलोज फेस वन में ऑर्चिड, आयरिस और अकासिया, ये तीनों बिल्डिंग का काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सेल रहा है। तो जो लोग यहाँ पर फ्लैट मिस कर गए हैं वो लोग यहाँ पर फेज टू में ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर सेंटर में आप देखेंगे क्लस्टर लेवल पर भी कुछ एमिनिटीज दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ का जो सराउंडिंग एरियाज अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी जोरों शोरों में डेवलप्ड हो रहा है। और रिसेंटली अभी अभी अटल सेतु ब्रिज, या तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक आप इसको बोल सकते हैं, जो अभी अभी शुरू हुआ है। तो साउथ मुंबई से अगर आप इस प्रोजेक्ट तक आते हो तो मैक्सिमम बाय रोड 2 आवर्स 45 मिनट्स पर आप पहुँच सकते हो। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी साल दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा। मेट्रो गोल्ड लाइन 8 का काम चल रहा है, जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक
ये मेट्रो लाइन चलेगी। प्लस पनवेल में 300 एकर्स को नैना डेवलप्ड कर रही है, यहाँ पर रेसिडेंटल, कमर्शियल, स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड्स, ये सारा कुछ नैना डेवलप करेगी। और नैना इस प्रोजेक्ट के पास में ही है। प्लस मुंबई पुणे लिंक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो लिंक प्रोजेक्ट में ऐसा होगा, खंडाला और लोनावाला को बाईपास करते हुए रोड पुणे के लिए जाएगा, तो उससे आपका ट्रैवलिंग टाइम 30 मिनट और कम होगा। पनवेल करजत लोकल ट्रेन कॉरिडोर का काम चल रहा है, तो ये ट्रेन का एक्सटेंशन जो CST से जो ट्रेन पनवेल तक आती है, इसका एक्सटेंशन करजत तक दिया जाएगा। और बीच में 2 स्टेशन होगा, जैसे मोहापे और चौक, तो हीरानंदानी के लिए जो पास का जो स्टेशन होगा वो चौक होगा और उसके बाद मोहापे स्टेशन होगा। साइन पनवेल हाईवे वाइडनिंग का काम चल रहा है, तो उससे भी इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बूस्ट मिलता है। तो ये सारा कुछ अगर आप देखेंगे, टाउनशिप अपने आप में डेवलप्ड हो रहा है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है सराउंडिंग एरियाज में, नैना पनवेल को डेवलप कर रही है 300 एकड़ में, तो ये सारा अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ के रेसिडेंटल के प्रॉपर्टी को बहुत आगे चलकर बूस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप एंड यूजर के हिसाब से भी आप ले सकते हो, या तो आप इन्वेस्टर के हिसाब से भी आप ले सकते हो, या तो आप रिटायर होम के हिसाब से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी यहाँ पर है, और ये काफी बड़ा टाउनशिप है, मोर देन 588 एकर्स। पनवेल से करजत तक जो ट्रेन चलेगी वो यहाँ से आगे तक आएगी, और ये सामने मोहापे स्टेशन है और इस तरफ चौक है। ये जो बड़ा सा हाईवे आप देख रहे हैं, दिस इज मुंबई पुणे हाईवे, और ये जो पर्पल हाईवे आप देख रहे हैं, दिस इज विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। और इस तरफ आप देखेंगे ये जो ब्रिज है, दिस इज अटल सेतु ब्रिज, या तो आप नवा सेवा ब्रिज भी आप इसको बोल सकते हैं, जो ऑपरेशनल है, पिछले महीने ही शुरू हुआ है। तो साउथ मुंबई से अगर आपको इस प्रोजेक्ट तक आना है तो मैक्सिमम 2.5 आवर के ड्राइव पर आप पहुंच सकते हो। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे ये और एक कनेक्टर बन रहा है, जो कि इसी ब्रिज से कनेक्ट होते हुए ये डायरेक्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट होगा। प्लस इसके पास में यहाँ पर आप देखेंगे एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से मेट्रो लाइन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट कनेक्ट होगी। तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों सराउंडिंग एरियाज में डेवलप्ड हो रहा है, मैंने कुछ आपको बताया, लेकिन बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, बहुत सारे IT हब्स भी सराउंडिंग एरियाज में आ रहा है, तो उससे भी प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, दिस इज ड्राइव वे इन एंड ड्राइव वे आउट टू द कॉम्प्लेक्स हीरानंदानी फॉर्चून सिटी एट पनवेल। स्कूल्स जैसे मैंने बताया, हीरानंदानी ट्रस्ट स्कूल ऑपरेशनल है, रिटेल स्पेस ऑपरेशनल है, कमर्शियल डेवलपमेंट ऑपरेशनल है, रेस्टोरेंट ऑपरेशनल है। तो कुल मिला के इस प्रोजेक्ट में 100 एकर्स का ग्रीन स्पेस होगा, 25 एकर्स का रिजर्व फॉरेस्ट होगा, प्लस इस प्रोजेक्ट से आपको फॉरेस्ट, रिवर और हिल का व्यू मिलता है। 200 साल पुराना शिवा टेम्पल इस प्रोजेक्ट के अंदर ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये क्लब हाउस रॉयल है, और काफ़ी बड़ा क्लब हाउस दिया गया है, 90,000 स्क्वायर फीट, डैट मीन्स मोर देन 2 एकर का जो स्पेस है वो क्लब हाउस के लिए दिया गया है, जिसमें आपको हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल मिलता है, इंडोर प्ले किंगडम फॉर किड्स, थीम्ड स्पा एंड सोना, जिमनाजियम, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वाश कोर्ट, इंडोर गेम्स, इसके अलावा बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कैफे लॉन्च, योगा सेंटर, मेडिटेशन डेन एंड मच मोर। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ग्लिम्पसेस देखेंगे क्लब हाउस का। क्लब हाउस को भी काफ़ी यूनिक लुक दिया गया है, दिस इज लॉबी एंट्रेंस, रिसेप्शन काउंटर, ग्रैंड एंट्रेंस प्लाजा, फुली इक्विप्ड जिमनाजियम, इंडोर गेम्स एंड किड्स प्ले एरिया। तो दोस्तों इसका फ्लोर प्लान और यूनिट प्लान अभी तक आया नहीं है, पर 2 BHK का जो कारपेट होगा वो 680 से लेके 800 कारपेट होगा, और इसका प्राइस 1.10 CR से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 1.20 CR, और 3 BHK 950 कारपेट से लेके 1400 कारपेट है, जिसका प्राइस 1.56 CR से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 2 करोड़ 8 लाख रुपीज़, और 4 BHK 1600 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 3 CR से शुरू होता है। तो अभी आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, 2 BHK के लिए 2 लाख रुपीज़ है, 3 BHK के लिए 3 लाख रुपीज़ है,
और 4 BHK के लिए 4 लाख रुपीज़ है। तो जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट दिया है लॉन्च वाले दिन, उनको पहले बुलाकर राइट ऑफ रिफ्यूज़ल उनके पास होगा, मतलब वो चॉइस का फ्लैट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मार्केट में नए रेट के साथ लॉन्च होगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट है। और फाइनली दोस्तों पोजिशन इस 3 बिल्डिंग का होगा December 2029 में। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।